हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आपके भी फ़ोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है पेमेंट फेलड, यूअर रिचेट द यूपीआई पेमेंट लिमिट सेट बाय यूअर बैंक। तो इस तरीके से अगर आपके भी फ़ोन में प्रॉब्लम आता है, तो आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वो आपको तभी देखने को मिलता है जब आप एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में यहाँ पे पैसा को ट्रांसफ़र करते हैं, तभी गाइस ये जो प्रॉब्लम है आता है। और गाइस, ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली यहाँ पे फ़ोन पे एप्लीकेशन में ज़्यादातर दिखाई दे रहा है। तो फ़ोन पे से अगर आप पेमेंट यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ शो होता है। तो गाइस, होता क्या है, यहाँ पे गाइस हर बैंक का लिमिट होता है कि आप एक दिन में इतना ही रुपये यहाँ पे सेंड कर पाएंगे, यानी कि ट्रांसफ़र कर पाएंगे, और गाइस उससे ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको आपके बैंक का गाइस यहाँ पे लिमिट होता है एक दिन में आप ही, जैसा कि यहाँ पे आपने अगर 5,000 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं किसी दूसरे बैंक में, तो यहाँ पे गाइस अगर आपके बैंक में यहाँ पे अगर 5,000 रुपये आप जो है एक दिन में सेंड कर सकते हैं, ऐसा करके आपके बैंक में भी लिमिट होगा। तो हर बैंक का गाइस अलग अलग लिमिट होता है कि आप जो है एक दिन में इतना ही रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपके भी बैंक में होगा तो सबसे पहले पता कर लीजिए। और गाइस जो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ओके। तो सॉल्यूशन बस यही सॉल्यूशन है कि आपको 24 घंटा वेट करना होगा। 24 घंटा वेट करने के बाद दोस्तों आप जो है पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे और ये जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप जो है वेट बस कर सकते हैं दोस्तों, और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते। आपको 24 आवर्स का वेट करना होगा, तभी जो है आप जो है पेमेंट को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और अगर फिर भी दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रहा है सभी लोगों को, तो आपको जाना है अपने बैंक में और वहाँ से आप जो है बात कर सकते हैं बैंक मैनेजर से, या तो फिर बैंक में जाके बात कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों, आप जो है इस प्रॉब्लम को ठीक कर लीजिए। और जो गाइज़ ये जो है बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो आप सभी लोग जा सकते हैं बैंक में और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।